हम बात कर रहे हैं आरजेइंग की, और आरजेइंग के लिए हमारे सभी कैंडिडेट्स के पास में खूबसूरत आवाज़, एक गुड टेक्सचर, एक क्लीन क्लियर वॉइस, और उस वॉइस के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ वॉइस विद वॉइस मॉड्यूलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी आवाज़ आपके लिए एक वरदान है। यस, इट्स अ बून टू ऑल द कैंडिडेट्स। और अच्छी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए, जैसे हम जिम जाते हैं अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए, उसी तरह हमें अपनी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए करनी पड़ती हैं कुछ थ्रोट एक्सरसाइजेस। और जैसा कि मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, थ्रोट एक्सरसाइजेस को ठीक रखने के लिए सबसे पहले आपको करनी होती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यस, आप प्राणायाम जिसको बोलते हैं, प्राणायाम आप जाइए, आप प्राणायाम जो योग आसन है उसमें कई आसन आते हैं जो डीप ब्रीदिंग से रिलेटेड हैं, आप उन्हें करें। आप कहें तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह के आसन आपको उसमें करने हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेरा तो ये भी मानना है कि स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अगर आप दूसरी भी एक्सरसाइजेस करते हैं, साइकिलिंग, रनिंग, वो भी आपको एक बहुत अच्छा वॉइस का स्टेमिना देती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें आपके बेस को बढ़ाती हैं, आपके आधार को बढ़ाती हैं। इसके साथ में हमें वॉइस एक्सरसाइज करनी होती है जो कि हम करते हैं, पर उस वॉइस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने गले को स्मूथ करना होता है। स्मूथ करने के लिए हमें हमारे ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं इसकी मसाज करनी चाहिए। ये हमारे गाल जिनसे हम बोलते हैं, गालों की मसाज करनी चाहिए इसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ पीछे हमें यहाँ पर भी सहलाना चाहिए, नेक के पीछे। तो ये एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि पूरा गला और गाल मुंह इसमें शामिल होता है। इसके साथ में आप जानते ही हैं कि आवाज़ का ये कंट्रोल हमें डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पोर्शन से अलग अलग आवाज़ें निकालने में हेल्पफुल होता है। जैसे क्योंकि हम थ्रू आउट द डे आरजेइंग करते हैं, हम थक ना जाएं, अपनी स्क्रिप्ट्स को लेकर बोल बोल कर थक ना जाएं, एग्जॉस्ट ना हो जाएं, हमारा गला ख़राब ना हो जाए, उसके लिए हमें अपनी कंप्लीट बॉडी स्पेस का इस्तेमाल करना होता है स्पीच के लिए। आप पूछेंगे कि भाई कंप्लीट बॉडी स्पेस का इस्तेमाल कैसे है? जो डायलॉग हमें लाउड बोलने हैं वो हम पेट से बोलेंगे। अगर आप यहाँ हाथ रखेंगे पेट के ऊपर, जैसे मैं बोलता हूँ कि बारिश आने वाली है, घर आ जाओ, मैं दूर से बुला रहा हूँ। सपोज़ आप अपने भाई को बुला रहे हैं, अपने दोस्त को बुला रहे हैं, आप बालकनी में खड़े हैं और बोल रहे हैं बारिश आने वाली है, घर आ जाओ, भीग जाओगे। ये हम पेट से बोलते हैं। और यही अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, यहाँ से जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हमारी एक्सरसाइज होती है ह, यानी खुली हुई आवाज़। आप महसूस करेंगे यहाँ पेट पर आप हाथ रखिए तो यहाँ पर इफेक्ट आता है। दूसरा पॉइंट हम छाती से बोलते हैं। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति, कोई पेशेंट आपको बुला रहा है तो कहेगा बारिश आने वाली है, घर आ जाओ, अरे भीग जाओगे, अरे क्या कर रहे हो। आप जब टच करते हैं तो आपको छाती में इफेक्ट आता है, तो वो हम यहां से बोलते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज होती है, हम सांस को नीचे फेंकते हैं, हम सांस को
यानी छाती के ऊपर सारा इफेक्ट आता है। अब तीसरा नॉर्मल स्पीच होती है जो हम गले से बिल्कुल बोलते हैं। कोई सामने खड़ा है, नीचे बिल्कुल आप फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, बारिश आने वाली है, नीचे आ जाओ, कट इट।